गांधीन आइडियोलॉजी के खिलाफ कुछ ऐसे काम हुए हैं जो हमें मंजूर नहीं। मैंने अपनी पूरी जवानी खादी ग्रामोद्योग को समर्पित की है, गांधीन आइडियल और गांधीन वैल्यूज, आइडियोलॉजी, फिलॉसफी, इस पे पूरा जीवन मैंने न्योछावर किया। अब मेरा एतराज क्या है, इंडियन ट्रेडमार्क एक्ट 1999, इसके रूल बने 2017 में। इंडियन ट्रेडमार्क एक्ट का रूल है 2017 का, उसकी धारा 25 के तहत ट्रेडमार्क किसको मिलेगा? या तो ट्रेडमार्क जिस क्लास में लिया जा रहा है या उसमें वो व्यक्ति, वो संस्था इन्वॉल्व होनी चाहिए, उस व्यवसाय में जुड़ी होनी चाहिए, और या मैन्युफैक्चरिंग या मर्चेंट कुछ भी ना कुछ उसका ट्रेड वो एंगेज होनी चाहिए, या टू बी प्रपोज प्रपोजल हो। अब जो मैं आपको बताऊंगा इनमें न तो खादी कमीशन पहले कभी इन्वॉल्व था, ना एंगेज था, ना किसी तरह की एक्टिविटीज थी, वो नेगेटिव लिस्ट में आते हैं, और भविष्य में भी कोई प्रपोजल नहीं है, अगर होगी तो हम विरोध करेंगे। अब क्लास 13 में ट्रेडमार्क की क्लासिफिकेशन है, उसकी क्लास 13 में आर्म्ड एमिनेशन है, उसमें एक्सप्लोसिव भी है। तो खादी कमीशन ने क्यों लिया ये ट्रेडमार्क? क्या इनकी भविष्य की योजना नहीं है, वर्तमान में एंगेज नहीं है, तो फिर किस लिए? क्या झूठा एफिडेविट दिया, झूठी जानकारी दी ट्रेडमार्क अथॉरिटी को? झूठी जानकारी देने पे ट्रेडमार्क एक्ट 1999 की धारा 103, 104, 105 के तहत ये ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जमानत नहीं होगी भाई। और इसमें